नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे में आरपीएफ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। यहाँ पर आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ गई है। अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से ये सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अब सिर्फ आरआरबी के द्वारा एक आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जल्द ही वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं उसमें आरपीएफ कितनी सीटें हैं, सब इंस्पेक्टर कितनी सीटें हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितना इसमें एज लिमिट चाहिए, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसमें फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होने वाला है, हाइट कितना होगा, सब कुछ हम लोग देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए। दोस्तों यही वो लेटर है और यह रेलवे बोर्ड के द्वारा 2 जनवरी को यह निकाला गया है और यह सभी जोन को यह भेज दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने सीटें हैं। 2000 आरपीएफ की सीट है, उसके बाद यहाँ पर 250 सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर सीट है। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास आपके पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो उम्र है वह मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। इसके बीच यदि आपका उम्र है तो आप भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी उम्र 20 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी उम्र सीमा में किस प्रकार से छूट मिलने वाली है। एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का छूट दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है कौन कौन से स्टेप में होने वाली है। तो पहले जो होगा वह आपको फेज 1 में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वह आरआरबी के द्वारा उसको कंडक्ट कराया जाएगा। आरआरबी इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगी। सेकेंड फेज में आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फेज 3 होगा। फेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि यदि आप अपना होम जोन चूज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से चूज करेंगे। तो यहाँ पर रीजन में बांट दिया गया है, 4 रीजन में यहाँ पर बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यदि आप मान लीजिए ईस्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं तो ईस्ट के अंतर्गत ईस्टर्न रेलवे, ECR, ईस्ट कोस्ट रेलवे, NFR, SER, तो ये सब जोन रहेंगे। सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब बातें हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी जो है फिजिकल टेस्ट, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट आपका किस प्रकार से होने वाला है। अगर आप UR या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो मेल हैं उनका 165 होना चाहिए, जो फीमेल हैं उनका 157 सेंटीमीटर यहाँ पर उनका हाइट होना चाहिए। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो सीना है वह नॉर्मल 80 होना चाहिए और फुला करके 85 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाना है। उसके बाद SC ST जो बिलोंग करते हैं उनका जो मेल है उनका 160 सेंटीमीटर उनका लंबाई होना चाहिए, उसके बाद जो फीमेल है उनका 152 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई होनी चाहिए, उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं SC ST में उनका 76.2 यहाँ पर उनका चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल में और फुला करके 81.2 होना चाहिए। उसके अलावा यदि गोरखा वगैरह कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उसको भी यहाँ पर छूट मिलने वाला है। तो ये हो गया हाइट और चेस्ट को लेकर के। आरआरबी के साइट पर आप लोगों को जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अभी एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की बात यहाँ पर नहीं किया गया है, यह आरआरबी यहाँ पर तय करेगा कि कितना यहाँ पर उसका एग्जामिनेशन फीस होने वाला है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट फीस, तो ये ऑनलाइन ही होगा, यहाँ पर बता दिया गया है कि आरआरबी इसको बताएगा। अप्लाई करने के लिए भी आपको आरआरबी के ही वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, अभी नहीं, आरआरबी जल्द ही इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए मौका देगी। यहाँ पर अब बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड है वो किस प्रकार का होने वाला है। जो कॉन्स्टेबल में भरेंगे वो 10th लेवल का होगा, जो सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट पर भरेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। उसके बाद यहाँ पर 35% यहाँ पर लाना जरूरी है, कम से कम जो SC ST से हैं उनको 30% मार्क लाना यहाँ पर जरूरी रहेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो टाइम है वह 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटा मिलेगा।
उसके बाद क्वेश्चन कितना रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें क्वेश्चन कौन कौन से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस से 50, अर्थमेटिक से 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कॉन्स्टेबल के लिए यदि आप भरते हैं तो कॉन्स्टेबल में भी समय उतना ही मिलने वाला है आपको, 90 मिनट आपको समय मिलेगा, क्वेश्चन भी उतना ही रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर तो जनरल अवेयरनेस से 50 के, अर्थमेटिक से 35 रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं पासिंग मार्क जो निर्धारित किया गया है वो कितना है। तो यहाँ पर पासिंग मार्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है मिनिमम 120 में यूआर ओबीसी से जो बिलोंग करेंगे उनको 42 नंबर लाना है, और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 120 में मिनिमम 36 नंबर लाना यहाँ पर जरूरी है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं जो कॉन्स्टेबल के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए कितना क्वालिफाई मार्क होना चाहिए। तो 120 में जो लोग यूआर ओबीसी से बिलोंग करेंगे उनको 42 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम। उसके बाद जो एससी एसटी से बिलोंग करेंगे उनको मिनिमम 36 नंबर लाना आवश्यक है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के बारे में भी बताया गया, जनरल अवेयरनेस आपको कहाँ से आपको तैयारी करनी है उसका यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, अर्थमेटिक कहाँ से तैयारी करना है वो भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग कहाँ से पूछा जाएगा वो भी बताया गया है, रीजनिंग भी आप लोग को यहीं से पढ़ के जाना है। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जो इसका फिजिकल टेस्ट होगा वो फिजिकल टेस्ट में किस प्रकार से समय सीमा रहेंगे। यहाँ पर 1600 मीटर का यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होने वाला है। सब इंस्पेक्टर में समय रहेगा 6:30। 6.5 मिनट में आप लोग को यहाँ पर 1600 मीटर यहाँ पर दौड़ जाना है। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर में जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर सिर्फ 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है। उनके लिए लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। उसके बाद जो कॉन्स्टेबल में जाएंगे फीमेल के लिए 16 मीटर का दौड़ 5:45 के अंदर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद कॉन्स्टेबल महिला के लिए यहाँ पर सिर्फ 800 मीटर का दौड़ लगाना है 3:40 के अंदर, और लॉन्ग जंप यहाँ पर 9 फीट यहाँ पर लगाना है। उसके बाद हाई जंप 3 फुट यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, बाकी कुछ नहीं छूट रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जो आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है इस पे हम लोग पूरा विस्तार रूप से हम लोग चर्चा किए हैं। तो यह भर्ती जल्द ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आरआरबी के वेबसाइट पर आप लोगों को विजिट करते रहना है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों में से कमेंट कीजिए कौन कौन आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।